दोस्तों अभी सुबह सुबह मैं जा रहा था ब्लॉग ही बनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन खड़े हैं। ये हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, हमारे क्लासमेट हैं, साथ में पढ़ने वाले। तो आपका शुभ नाम बताइए। धनेश यादव। धनेश यादव अभी बहुत आगे हैं हमारे से, हम तो रह गए पीछे। और भाई साहब आपका नाम? करमचंद यादव। करमचंद यादव, लेकिन हम इनको गांधी के नाम से जानते हैं, सही है ना? हाँ। ये खो खो प्लेयर भी रहे हुए, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूं, अल्लाह का करम है। तो गाइज अभी हम यहां पे पेट्रोल पंप पे, कौन सा पेट्रोल पंप है? रिलायंस पेट्रोल पंप पे है। यहां पे हम थोड़ा चाय पियेंगे अपने दोस्त के साथ में। तो ये हमारी बाइक भी यहीं पे खड़ी है, तो बाइक टाइक देखे तो इनको समझ में आ गया कि मैं यहां पे हूं, तो इसके वजह से मैं भी रुक गया, थोड़ा सा मिल लेते हैं यहां पे। वीडियो बनाते ही था कि जब तक देख सकते हो हमारे चाचा जो आ गए ना, मेरे को गाली दे रहे हैं। तो इनको बताओ कि गाली सुबह सुबह नहीं देना चाहिए। तो धनेश भाई थोड़ा और कुछ बताइए यार, हम बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। अभी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं आप? हम तो राजनीति कर रहे हैं, छात्र जीवन से ही। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया पे हैं आप, समाज सेवा हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अभी देखिए फतेहपुर जो कांड हुआ था, उसमें आप बच्चे के बहुत हिस्सा लिए हो, मुझे मालूम है। देखा था परिवार के प्रति न्याय का हम लोग मांग करते थे और न्याय मिला अभी, और प्रेमचंद यादव की मकान नहीं। बहुत ही अच्छी बात है धनेश भाई, इस मामले में सबसे आगे रहते हैं, अपने गांव में भी देखते हैं पीड़ित कोई भी है तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह से आने वाले समय में अपने क्षेत्र से जिला पंचायत चुनाव लड़े थे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे, बहुत ही बढ़िया बात है। सेवा लगातार जारी है, जनसंपर्क। अगर आप देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, गौरी बाजार से हैं, तो दोस्तों अगर इनको पसंद करते हैं, इनके काम को पसंद करते हैं, तो प्लीज इनको सपोर्ट जरूर करें। तो गाइस सुबह सुबह अभी मैं आ गया हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहा है, और एक लोकेशन पे आया हूँ मैं। आपको लोकेशन दिखाता हूँ, आप गेस करके, आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं किस लोकेशन पे आज का ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ। तो गाइस पीछे देख सकते हो ये क्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्लीज अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मैं किस लोकेशन पे आज आया हूँ। तो गाइस बाइक अपनी पार्क कर दिया हूँ इस पुल के ऊपर, ये एक छोटा सा पुल है, ये एक रास्ता इधर जा रहा है देख सकते हो, और ये रास्ता जाता है यहाँ पे, और बाइक अपनी यहाँ पे मैं पार्क किया हूँ। तो गाइस ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप मैं कितने कपड़े पहना हूँ। हालाँकि मैं टोपी नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे टोपी लगाने के बाद मेरा सर दर्द करता है, तो इसलिए मैं टोपी नहीं लगाऊँ, लेकिन सर्द बहुत है। देख सकते हो कि आप कैमरा किस तरह से शेक कर रहा है, आप वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मालूम पड़ेगा कि मेरा हाथ है ना कांप रहा है मेरा। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ, आपको शायद हिंट मिल जाए। अगर आप गौरी बाजार एरिए से हैं, बैतालपुर एरिए से हैं, देवरिया एरिए से, तो ज़रूर इस जगह को जानते होंगे आप, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मैं चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड जो हैं वो मेरी वीडियो दिल से देखते हैं तो कुछ समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से अभी ट्रेन भी जा रही है, मालगाड़ी। मैं भी ट्रेन के पटरी पे आ गया हूँ, रिस्क है, हालांकि मुझे मालूम है रिस्क है, तो मैं दोनों तरफ देख चुका हूँ मैं, कहीं से ट्रेन नहीं आ रही है। अभी फिलहाल जो मालगाड़ी गई है वो चली गई, तो ये देख सकते हो आप मैं पटरी पे खड़ा हूँ, कोई भी है नहीं यहाँ पे, और मॉर्निंग व्यू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं एक दिन आके यहाँ का एक वीडियो शूट करूँ, तो फाइनली मुझे आज मन किया सुबह कि मैं आज निकलूँ सुबह मॉर्निंग राइड पर। ऐसे भी निकलता हूँ मैं, सर्द ज़्यादा था तो, लेकिन आ गया मैं। तो गाइस सोशल मीडिया पे वीडियो बना के अपलोड करना अपने फ्रेंड के लिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना इतना आसान बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आदमी वीडियो बनाने के लिए किस किस लोकेशन पे जाता है और कब उठता है और उसकी रूटीन क्या होती है। सुबह उठ के उसको टेंशन ये रहता है कि मेरी वीडियो अपलोड हुई है या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो उसको अपलोड करें, एडिट करें, तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सो गाइस अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं आप एक 15 सेकंड की, तो आपको पता होगा कि उसको बनाने में और एडिट करने में कितना टाइम लग जाता है। तो YouTube पे अगर हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो उसमें और भी मेहनत लगता है।
सो गाइस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं ये इतने आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत करते हैं, ये जी जान लगा देते हैं किसके लिए, ऑडियंस के लिए। तो गाइस, ऑडियंस का फर्ज बनता है कि उन्हें सपोर्ट करें, उनकी वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसे कि आप मेरा चैनल अभी देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत से प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और हर आदमी के पास मोबाइल है। तो वो क्या करता है, अभी थिएटर में तो कम जा पाते हैं लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं और मोबाइल में इस तरह की खोज चालू रहती है ऑडियंस की, मतलब इसमें हमको क्या देखने को मिले, कुछ अच्छा मिले या कुछ सीखने को मिले। तो इस तरह से क्या होता है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो अपनी अपनी एक कंटेंट लेके आते हैं, वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं और तब जाके हम जो देखते हैं वीडियोस उस पर लाइक शेयर वगैरह सब करते हैं। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म एक्टिव रहता है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होता है, अगर एक्टिव रहना है उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, ये इतना आसान काम नहीं होता है। जिस किसी भी भाई का सोशल मीडिया अकाउंट पे जो भी बढ़िया फैन बेस है उसका, अगर देखा जाए तो उसकी मेहनत भी उसके पीछे बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है ना, फैन बेस बन जाने पे फिर उनका काम बन जाता है कि सोशल मीडिया पे हमको एक्टिव कैसे रहना है, हमारा कंटेंट कंटिन्यू कैसे रहेगा, तो वो मेहनत करने लगते हैं, उनका काम बन जाता है, दिन भर का रूटीन वही हो जाता है, रात को सोते वक्त भी उनको टेंशन लगी रहती है कि हमारी वीडियो प्रॉपर बनी या नहीं बनी। तो दोस्तों, आपका दोस्त नौशाद खान, आपका भाई नौशाद खान अभी सोशल मीडिया पे ज्वाइन हुआ है नया नया, तो कुछ सीखने के लिए मुझे अभी मिल रहा है और मैं वीडियो कैसी बना पा रहा हूँ उसको, उसके लिए तो मुझे जानकारी कुछ नहीं है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलेगा। तो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है या अच्छी नहीं भी लगती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे फ्रेंड क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो गाइस, फिर दिल से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरा हिम्मत बढ़े और वीडियोस बनाने के लिए। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर यूट्यूबर या कोई सोशल मीडिया पे जो आदमी एक्टिव होता है कुछ दिन तक, तो वो एक आध महीने तक मेहनत करता है, फिर वीडियो बनाता है और क्या होता है, अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो वो चैनल बंद कर देता है, ऑटोमेटिकली उसका चैनल डेड हो जाता है। सो गाइस, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जुड़ूँ आपसे, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में और कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ, जो भी मेरे आसपास होती है वो चीज़ों को दिखाऊँ और हो सके तो एंटरटेन भी करूं, तो गाइस आप मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे हिम्मत नहीं आएगी और मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बखैर।